सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। लाहौर का पारा तेजी से गिरने लगा, दर्जा हरारत 3 डिग्री को छू सकता है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड, नमी का तनासुब 90% रहा। शहरी सरे शाम ही रजाइयों में दुबक गए। रवा माह के आखिर तक बादल भी पहुंच रहे हैं। महकमा मौसमियात ने नए साल की इब्तदा में ही बारिश की पेशगोई कर दी। शहर का मतला साफ, लाहौर एयरपोर्ट से जहाजों की भरपूर उड़ान। तैयारों की कमी और मौसम की बदलती सूरत हाल के बायस 15 परवाजें मनसूख। शारजा, दुबई, मस्कत और गिलगित जाने वाली 10 परवाजें मामूली ताखीर का शिकार हुई। हद्दे निगाह में बेहतरी, मोटरवे पर भी गाड़ियों का नॉन स्टॉप सफर। स्मॉग की बड़ी वजह धुंध और धुएं का इतिहाद। बागों का शहर माहौलियाती आलूगी की चादर में छुप गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फहरिस्त में सरे फहरिस्त। बहरिया आर्चर 352, कोट लखपत डेविस रोड 310, मॉल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड किया गया। अनारकली बाजार 282, एससी कॉलेज 274, इकबाल टाउन का AQI 252 रहा। मौसम बदलते ही गैस ने भी आंखें बंद कर ली। बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। नाश्ता बनाना तो दूर, अंडा बनाना भी अजाब हो गया। मुगलपुरा के इलाके मुजाहिदाबाद, रामगढ़ के मकीनों का एहतजाज। खवातीन चूल्हे उठाकर घरों से बाहर आ गईं। मुस्तफा पार्क शालीमार वालों का भी गैस की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा। पूछा कमाई कम, अखराजात ज्यादा हैं। महंगाई के इस दौर में राशन पूरा करें या सिलेंडर भरवाएं। लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ भी नहीं हमें मिल रही, बहुत परेशान है। इनको चाहिए कि गरीब बंदे का ध्यान करें, ना आटे का ना चीनी का, इनको कोई फिक्र नहीं, हर चीज में महंगाई है और गैस भी महंगा ही हो। डेंगू बुखार से एक और कीमती जान गई। शहर में 9 नए केसेस भी सामने आ गए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 156 मरीज जेरे इलाज हैं। दूसरी जानब कोरोना भी तेजी से अपने अंजाम को पहुँचने लगा। आज शहर में सिर्फ 18 केसेस रिपोर्ट हुए। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। स्टोर से सब्सिडाइज घी गायब। शहरी एक से दूसरे स्टोर की खाक छानते रहे। 260 रुपए किलो सस्ता घी ढूंढने से भी नहीं मिला। घी और ऑयल के रैक खाली देखकर सारिफीन नाराज हो गए। हुक्मरान ही नहीं, इंतजामिया को भी खरी खरी सुना दी। सब्सिडाइज ऑयल है, वो सब किसी हर किसी का हक है, लेकिन वो यहाँ से मिलता ही नहीं है। वो बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में मिलता है कि आप बाय लक अगर आप पड़ा हुआ तो आप आ गए अचानक से, तो वो मिल गया। भी चाहिए होती वो मिलती नहीं है। गरीब वालिदैन पर बच्चों की तालीम बोझ बनने लगी। कागज की कीमत में 35 रुपए किलो का इजाफा। 105 रुपए से सीधा 140 रुपए किलो पर जा पहुंचा। कागज महंगा होने से निसाबे कुतुब 20% तक महंगी हो गई। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का किताबों की कीमत पर भी कोई कंट्रोल नजर नहीं आता। स्ट्रीट लाइट्स के लिए टेंडर हो गए, फंड्स भी मंजूर, मगर शहर के गली कूचे अंधेरे में डूबे हैं। मेयर लाहौर ने 9 जोन के लिए 2 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स मंजूर कराई। शालामार, रावी जोन, समनाबाद, गुलबर्ग, निश्तर के लिए 20-20 लाख की स्ट्रीट लाइट्स की मंजूरी हुई। तहाल किसी इलाके में एक भी बल्ब रोशन नहीं हो सका। सुबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर की 324 स्कीमें मंजूर। 4 खरब 70 अरब रुपए की मंजूरी। पंजाब में 8 नए क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन कायम करने का फैसला। 2 अरब रुपए के फंड जारी। शहर के तरक्याती कामों को भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत का तरक्याती मंसूबों की बरवक तकमील के लिए बड़ा फैसला। PC1 में तरामीम का इख्तियार महकमे को दे दिया। नए माली साल के बजट की तैयारियां। कौन कौन से नए टैक्स लगाएं, महकमों ने सर झोड़ लिए। मौजूदा तरामीम का सर्कुलर भी जारी। जायदादों पर टैक्स लगाना है या नहीं, टोल प्लाजा हाईवे पर टैक्स की शरह क्या हो, महकमों ने काम शुरू कर दिया। सेल्स टैक्स में इजाफे, जरई जमीनों और नहरी पानी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। 400 अरब के टैक्स पहले ही लग चुके। पंजाब में तालीम के लिए मुख्तस 38 करोड़ के फंड्स लैप्स होने का इंकशाफ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल साल भर के लिए फंड्स के लिए दरबदर। अकाउंट से 1 पाई तक नहीं मिली। महकमा स्कूल एजुकेशन का फंड्स के दोबारा इजरा के लिए हुकूमत से रुजू।
कस्टम्स इंटेलिजेंस का शालम मार्केट में छापा, 4,15,00,000 के स्मगल शुदा सिगरेट बरामद। छापामार टीम ने सामान कब्जे में लेकर वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया। हाजी सादिक के भाई अतीक खान के गोदाम पर छापा मारा गया। हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा सामान लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में भेजा जाना था। लाहौर हाईकोर्ट का निकाहनामे और हक महर से मुतल्लिक बड़ा हुक्म, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हक महर के कॉलम में तरमीम की हिदायत। निकाहनामे में अशिया की तफसील के कॉलम 16 को हक महर के कॉलम 13 का हिस्सा करार दे दिया। परिकैन हक महर के अलावा कुछ लिखवाना चाहें तो अलहदा से लिखवाएं। निकाहनामे में नकद, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के लिए भी अलग कॉलम बनेगा। मारूफ गुलुकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हर्जाने का दावा, गुलुकारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा की अदालत पेश। मीशा शफी के वकील की केस की रोजाना समाअत के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद। मुजरिमान फर्दे जुर्म के लिए 7 जनवरी को तलब। जस्टिस शहजाद अहमद खान की जेरे सदारत इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों की कारकर्दगी पर इजलास, मुतलिका जजेस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की शिरकत। आईजी जेल शाहिद सलीम बेग, सीसीपीओ फियाज अहमद, डीआईजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल आईजी सीटीडी भी मौजूद रहे। ग्यारह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की ग्रेड 22 में तरक्की, बैंकिंग कोर्ट के जज नदीम गुलजार, मलिक मुनीर अहमद जुया की तरक्की। मेंबर जुडिशियल रेवेन्यू एपिलेट ट्रिब्यूनल हारून लतीफ, जज एहतसाब अदालत सईदुल्ला खान, मोहम्मद अकमल खान, रेहान बशीर और मोहम्मद खालिद तरक्की पाने वालों में शामिल। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन से रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद उस्तमा की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब मौजूद मेहमानों को बतौर तोहफा पेश की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन पीटीआई स्पेन महर जमशेद की मुलाकात, शिराज भट्टी भी मौजूद थे। चौधरी सरवर ने कहा वजीर आजम इमरान खान मुखालिफीन से घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। ये भी बता दिया कि जनरल इलेक्शन तो 2023 में ही होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, कामरान अली अफजल की तमाम सेक्रेटरीज को रोजाना 1 घंटा आवाम के लिए वक्त करने की हिदायत। पेंशन और तरक्की के तमाम केसेस तरजीही बुनियादों पर निपटाने का कह दिया। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी, इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डॉक्टर वासिफ खुर्शीद के इकदाम की तारीफ। मिशन स्मॉग फ्री लाहौर, कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का शहर का दौरा, बंद रोड और सगिया के इलाकों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। माहौलियाती आलूगी का सबब बनने वाली 10 गाड़ियों का चालान कट गया, 3 ड्राइवर्स को थाने बंद करा दिया। कमिश्नर लाहौर ने शहर में सफाई के इंतजामात भी देखे, रह जाने वाले बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए, टीमों से इकदाम पर ब्रीफिंग ली। डीसी लाहौर का शहर का दौरा, शदीद सर्दी में फुटपाथों पर सोए अफराद में कंबल और रजाइयां तकसीम। जेल रोड, दाता दरबार, रेलवे स्टेशन समेत दीगर इलाकों में बेघर अफराद के लिए किए गए इंतजामात का जायजा। सीसीपीओ फयाज अहमद की एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस से मुलाकात, पुलिस में इस्लाह, दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। सीसीपीओ ने अमनो अमान के लिए इकदाम का बताया। अनोखा इत्तेफाक या ओहदे का चस्का, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का ओहदा 8वें कॉमन के लिए फेवरेट। 7 साल के दौरान लाहौर में 10 डीआईजी बदले, 9 का ताल्लुक 28वें कॉमन से है। हैदर अशरफ, शहजाद अकबर, राय बाबर और अब डॉक्टर आबिद भी इसी ग्रुप से हैं। सिर्फ साबिक डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी का ताल्लुक 28वें कॉमन से नहीं। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान की जेरे सदारत इजलास, प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदगान की शिरकत, यकसा निसाब और नाजरा कुरान की तालीम पर तबादला ख्याल किया। 12 साल से जायद उम्र के तुलबा की कोरोना वैक्सीनेशन पर गौर।
लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कबूली फहरिस्त 27 दिसंबर को लगेगी। इंतखाबात 26 फरवरी 2022 में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान का सालाना इजलास, चेयरमैन नेपरा तौसीफ हुसैन ने सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल आफ्ताब कुरैशी, प्रोफेसर इरफान गौहर, जी आर भट्टी, सलमान एजाज, हाफिज बिलाल बशीर समेत दीगर की शिरकत। सस्ती बिजली के लिए हाइड्रल मंसूबों पर जोर। एमडी एनटीडीसी मंजूर अहमद ने ट्रांसमिशन सिस्टम को धुंध से बचाने के लिए इकदाम का बताया। पंजाब यूनिवर्सिटी का 130वां कॉन्वोकेशन, 1200 से जायद तुलबा में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम। दो भाइयों और मियां बीवी समेत रिकॉर्ड 289 अफराद ने पीएचडी की डिग्रियां वसूल की। कॉन्वोकेशन में एमएस और एमफिल के 123, मास्टर्स के 67 और पावर बीएस के 75 पोजीशन होल्डर्स ने मेडल्स तकसीम किए गए। शहर में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज, काफ लीग माइनॉरिटी विंग के तहत डेविस रोड पर तकरीब। कामिल अली आगा, शहजाद इलाही, असलम गिल, माइकल नदीम, आरिफ चौधरी समेत दीगर ने केक काटा। सर्विसेज अस्पताल में मसीही बरादरी के एजाज में तकरीब सजाई गई। प्रोफेसर तैयबा वसीम, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, डॉक्टर कजाफी, अरशद भट्ट की शिरकत। 200 पाउंड का केक काटा गया। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के जेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब में तकरीब। आरिफ राही, उस्मान कबीर, परवेज सोनी, नईम मसीह और दीगर की शिरकत। डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात, अलखिदमत ग्रुप का क्लीन स्वीप। मियां तलत सदर मुंतखब, मोहम्मद सरफराज जनरल सेक्रेटरी बन गए। अकील अवान ने सेक्रेटरी हेल्थ की नशिस्त अपने नाम की। हिमायतियों का ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े डाले, खूब जश्न मनाया। पाइन एवेन्यू में लिटिल आर्टिस्ट कॉम्पिटिशन, छोटे तुलबा के फन का बड़ा मुजाहरा, देखने वाले दाद देने पर मजबूर। प्रिवेंटिव एजुकेशन हेल्थ ओरिएंटेड फाउंडेशन ने अहतमाम किया। मिसेज वकार शेख, शफीकुर रहमान, फारूक रजा, अहमद अवान, सना गुल समेत दीगर की शिरकत। लाहौर में सकाफत के रंग बिखरने को तैयार, हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां मुकम्मल। महकमा खजाना ने शो के लिए 69 करोड़ की मंजूरी दे दी। मेला 10, 11 और 12 मार्च को सजेगा। फोर्टर स्टेडियम मेजबान होगा। और नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले, चारों सूबों से 12 टीमों की शिरकत। पहले रोज वाबदा की टीमें छाई रही, 3 गोल्ड मेडल जीते। पंजाब और रेलवे के हिस्से एक एक गोल्ड मेडल आया।